अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। और ये देखिए सूरज पाएं तेरा ऊपर है इधर, और धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत हो गई, बारिशें क्या ख़त्म हुई, गर्मियाँ शुरू हो गई। और ये मिले अनम से, अच्छा आप क्या खा रही हो, कहाँ से आए? दादा मम्मी ने दिलाए। और अभी आपने क्या हरकत की है नीचे? ये अभी नीचे गई थी दादी मम्मी से चीज़ लेने के लिए, तो जो है ना वो दादी मम्मी ने इनका हाथ छोड़ के बस गेट लॉक करने के लिए वो पीछे मुड़ी हैं, एकदम से ये चल पड़ी, आ रही थी वहाँ से कार और ये कार से बच गई। कार वाले भी नाराज़ हो रहे थे, दादी में भी नाराज़ हो रही थी अभी। हाँ अनम कहाँ जा रही हो? मैं बहुत फास्ट जगह जा रही हूँ, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा ब्लॉग हमारा। मैं कहाँ जा रही हूँ बताओगी? नहीं चलो सरप्राइज। हाँ चलो। और ये अनम अपने कपड़े प्रेस कर रही है, मिन्हा के कपड़े प्रेस कर दिए, मिन्हा जा रही है अनम के साथ, उरिया शिफा नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही उरिया शिफा? वो रास्ते थोड़े से खराब है ना, और हटो मिन्हा, हाथ हिल रहा है, हाँ हिल रहा है। हाँ सिपारे ट्यूशन की भी छुट्टी हो जाती है तो इसलिए। और बाकी अनम कर रही है प्रेस, और ये लाई है बच्चों के लिए चीज़ ले जाने के लिए बच्चों के, इसमें पापड़ हैं और ये चेरी बॉल्स हैं और पता नहीं क्या क्या है इसमें। और बाकी ये अनम अपनी कर रही है जाने की तैयारी, और मैं बस मेरे भी बच्चों को लेने जाने का टाइम हो गया, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, 12:30 बजे छुट्टी होती है, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने स्कूल से। तो आगे का ब्लॉग आप लोगों से कंटिन्यू करते हैं, तो अभी मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों। तो अनम की तैयारी तो हो गई है जाने की, और ये अनम अब कर रही है खाने की तैयारी। हाँ अनम क्या बना रही हो? मैं तो इनको बोला था तुम चली आओ मैं बना लूंगी, लेकिन ये कह रही है कि वो भाई खाना लेने के लिए आते ना दोपहर में, तो वो टाइम लग जाएगा उनको, देर हो जाएगी खाने वाने में। तो अभी हमने प्याज डाल दी, क्या बना रही हो? आलू गोभी। प्याज और अदरक लहसुन डाल दिया, तो ये इसकी हो रही है भुनाई, और अब हम गोभी डाल दी इसमें, बस डाल के बना के रखूँ, और तैयारी के साथ साथ चलो बच्चों को जाने जी। तो तैयारी हो चुकी है जाने की, और मैडम तैयार हो गई, बस निकल रहे हैं, लेट हो गई, हाँ। और ये है मैडम का फूल। मीना मीना मीनू दिखाए, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताना, घूमने जा रहे हैं। हाँ बस बोलो हम घूमने जा रहे हैं अप्पो के साथ। हाँ ओके। फिर रिक्शा में जाएंगे, नहीं। और यहाँ हमारी हो रही है बाइक बंद, और मुझे बिठाया रिक्शा में, और पेट्रोल रिक्शा वाले हमारे भाई हैं बहुत अच्छे, इन्होंने दिया, और बस अब मैं बैग पे बैठ रही हूँ। हाय कर दें भाई, तो बहुत शुक्रिया आपका, बस हम लोग निकल रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, मैं कहाँ पहुँची हूँ मैं आपको अभी मिलवाती हूँ, किसके घर में आई हूँ। और रास्ते में मुझे लेट हो गया था क्योंकि बाइक बंद हो गई थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया था गाड़ी का, और गाड़ी भी थोड़ी मिस्टेक कर रही थी भाईजान की, तो मैं आपको मिलवाती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? काफ़ी दिन हो गए थे गए हुए, तो मैंने सिस्टर को अपने घर बुला लिया, अभी हम लोग खाना वाना खाएँगे, इन्जॉय करेंगे। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं? ठीक है? हाँ तो बस अब खाना खाएंगे, खाना रेडी है क्योंकि चावल ठंडे हो रहे थे, तो आप ही ने कहा, मैंने कहा चलो सलाम दुआ करके फिर खाना खाते हैं। नहीं 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 माशाल्लाह।
Spider-licks are always trying to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always knew from the day we met I'll be with you. The first time you said that you loved me too. Without you, I'm borrowed out. So I packed my things and we moved down south to share a room in a foreign house. This will take some time, but it's what it's all about. जी तो मिले हमारे बड़े बहनोई से और बहन से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हाल चाल है? ठीक ठाक। आज मेरी साली आई हुई है घर पे और मेरे बड़े बहन साले आए हुए हैं। तो आज हमारी जो है सिर्फ यही घर के अंदर तकलीफ हो रही थी, छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट थी। ये हमारी बेगम साहिबा बैठी हुई है और इन्होंने जो है ना सारी खाने पीने का अरेंजमेंट सब इन्होंने किया हुआ। हाँ, हमने सुबह से परेशान किया हुआ था। इनकी साली क्या आई है तो पागल हो गए। हाँ, साली साली आती है तो मैं चाहता हूँ साली के लिए मैं साली को हर चीज खिलाऊं पिलाऊं बस। हाँ, जब साली जो होती है ना वो ऐसी होती है कि बहन की, हमारी बीवी की जो है ना बहन होती है। हाँ, उसके लिए हमारी साली है भाई। हमारी साली तो हम अपनी साली के लिए करते हैं जो भी कुछ है, लेकिन हमारी जो बेगम है वो बड़ी खुश होती है। इनकी बहनें आती हैं या भाई आते हैं, बड़ा खुश होती है। तो लिहाजा ये है कि आप लोग दुआ में हमें याद रखें और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला है। हाँ। तो सही कह रहे हैं ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, और क्या कह रहा, मैं तोतला नहीं हूँ, गुटका था। तो फ्रेंड्स, बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि शाम के बज रहे हैं 7:15 और यहाँ हो जाता है थोड़ा सा सन्नाटा। तो बस अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ, घर जा रही हूँ और सबसे करते हैं अल्लाह हाफिज़ और फिर घर जाके आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये साली है मेरी, बड़ी प्यारी साली है। साली कम, छोटी बहन ज़्यादा हूँ। तो बस सबसे अल्लाह हाफिज़ करते हैं। लाइट चली गई और यहाँ हो रहा है अंधेरा, तो अल्लाह हाफिज़ करते हैं। सही। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं सिंधी होटल पर और भाजन लेने के लिए जा रहे हैं। दूध का काटा तरंग हमारी तरफ मिल नहीं रहा है, दे दो। और भाजन काटन लेने के लिए जा रहे हैं और मैं खड़ी हूँ, हमारी मिन्हा मुझे कर रही है बहुत ज़्यादा तंग। और आएंगी कैमरे में, आ जाएंगी। ये भाईजन खड़े हुए हैं, दूध ले रहे हैं और बैस चल रही है कोई। और बस अब घर के लिए निकलेंगे हम लोग, रश बहुत है यहाँ पर। जी तो अनम आ चुकी है घर और अनम ने चेंज वेंज भी कर लिया और ये अबाया वगैरह हैंग कर रही हूँ वापस। हाँ, मज़ा आया। हाँ, मज़ा तो आया मगर रास्ते में बहुत पानी हुआ, बहुत परेशान हूँ मैं। जाते वक्त हमारी बाइक बंद हो गई, अब वो बंद हो गई, गेट नंबर टूट गई, शुक्र है। फिर वहाँ से चलते हुए गए पैदल पैदल, फिर पेट्रोल नहीं था और वहाँ पर पेट्रोल मिलता भी नहीं है। तो वे रिक्शा वाला है तो वो 2 घंटे का कह रहे थे। फिर उन्होंने जो है देखा लेडीज का 25 साथ है तो उन्होंने पेट्रोल दे दिया था मेरे काम में, थोड़ा सा कि पंप तक हम पहुँच जाएँ। पंप तक पहुँच गए तो फिर घर गए, आपकी रास्ता थोड़ा सा खराब है, वो तो बारिश की वजह से सब जगह। फिर एक दिन पहुँच गए थे घर पर हम 4:30 बजे, वहाँ से 3:30 बजे हो रिया उधर जाके याद करो। वहाँ से निकले हम लोग 7:45 बजे, तो 7:45 बजे वहाँ से निकले तो वहाँ मुझे घर से खोल के चलने से हम लोग आ रहे थे ना, तो वहाँ पर मुझे याद आया था दूध लेना था, तो वो दूध लेने के लिए हम लोग मामू के घर की तरफ। तो वहाँ से उन्होंने बोला, मामू से बात हुई
तो उन्होंने बोला कि वहाँ से ले जाना, सिंधी होटल से ही मिलेगा। फिर हम लोग सिंधी होटल निकल गए, वहाँ से सिंधी होटल से लिया, फिर सिंधी होटल पर हमारा पेट्रोल खत्म होता है और अंदर जाके इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पर। फिर वो पैदल 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 जाते जाते परेशान हो गए। फिर वो दो पठान आए, वो पूछने लगे आपके क्या परेशानी है बाजी। तो हमने भाई मतलब भाई से बोला तो बोला कैसे से हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने हमारी हेल्प की और बहुत दिन से दुआ निकली उनके लिए। तो उन्होंने बोला कि पेट्रोल चाहिए आपको, तो उन्होंने हमें पेट्रोल दिया और अच्छा खासा दिया कि हम उनसे घर पर आ गए। जबकि हमने जाते वक्त 150 रुपये का पेट्रोल पंप से डलवा लिया था भाई। नहीं है कुछ भी नहीं है पेट्रोल तो, आप 150-200 का। तो 150 रुपये का पेट्रोल आने जाने के लिए वहाँ के लिए बहुत था, लेकिन वो एक्स्ट्रा वहाँ निकल गया ना। हाँ और वहाँ हमें जाना था नहीं, वो इरादा एकदम से हो गया। अगर पहले पता होता तो 150-200 का डलवा लेते। तो ये कि बस उन्होंने हमारी हेल्प कर दी थी। और क्या, और जाते हुए वापसी आते हुए जब मैं आपके घर से निकली तब भी मैं फंस गई। तो गटर था, गटर थे तो मेरा आधा पैर चला गया था। वो अगर मैं दूसरा पैर सामने की तरफ नहीं कदम बढ़ाती तो मैं गटर के अंदर होती थी। ना करे, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से भाई। तो बस बहुत मुश्किल है, किसी की जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हाँ अब जो लिखा है वो तो होना है हर हाल में। ऐसा लग रहा है मैं घर में कम बैठी हूँ और जो है ना उनका टाइम स्पेंड हम लोगों ने कम किया है और बाहर ज्यादा घूमी हूँ। हाँ तो इस वजह से जो है ना टाइम पता नहीं चला कैसे गुजर गया। बातों में मजा बहुत आया, खाना बहुत अच्छा था, माशाल्लाह आपने खाना अच्छा बनाया था। बिरयानी बनाई थी अच्छी थी, टेस्ट में जो थोड़ी चटपटी हो रही थी, मैंने चटनी के बगैर और हरी मिर्चों के बगैर खाई। वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से कॉमेंट करें। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। और ये मिले हुरिया से। हुरिया हेलो, क्या कर रही हो? मैं अपना स्कूल का याद कर रही हूँ। मेरा कल दूसरा पेपर है, टेस्ट है। तो टेस्ट पेपर कह रही हाँ मंथली टेस्ट है। तो मुझे पूरे देखे, मुझे ना दो चैप्टर याद करने है। कौन सा सब्जेक्ट? ये है साइंस। ओके, साइंस का उरिया का टेस्ट है। मुझे याद करने हैं। आज का टेस्ट कैसा हुआ? बहुत ही अच्छा हुआ था। वेरी गुड। और आगे के लग रहा है कि मेरे नंबर ना अच्छे आएंगे क्योंकि मैंने सबसे पहले काम किया था। इंशाल्लाह मेरा सबसे पहले पेपर हुआ। अच्छी बात है। और ये ना आप अच्छा अच्छा पढ़ोगी तो अच्छे अच्छे नंबर भी लाओगी, अच्छे अच्छे टेस्ट भी दोगी, तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा चलो ठीक है। और शिफा से मिलते हैं।